स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। को लालच है, इलीगल मिलेगा, मैं खाऊंगा, तू खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा। तुम लीडर मुमरा का बनना चाहते हो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों का लीडर बनना चाहते हो? किसी के घर में चाय, किसी के घर में बिस्किट, किसी के घर में चूड़ा, किसी के घर में नान कटाई, ये सब नहीं होगा। कौन रोका उसको? वो डोंबेरी और कल्याण हर रोज जाता था, उसके क्या पैर पकड़ के रखे थे किसी? 10 साल आप खासदार थे, आपको मुमरा का दरवाजा मालूम है? मुमरा के नौजवानों को सताने की बात आई तो आप कहीं दिखे ही नहीं। मुमरा वालों को मूर्ख समझते हो? मुमरा में अब खुशी की लहर आई है, तो इतने दिन क्या मातम था क्या? मातम कहाँ है, किसके घर पे है, ये राबड़ी वालों को जाके पूछो। और वही हॉस्पिटल के मालिक को, डॉक्टर को किसने झापड़ मारी जाके? होटल में भी बंद कमरे में मीटिंग हुई, मालूम है तुमको? किसी को लगता है मुन्ना साहिल मेरे को छोड़ के जाएगा? सीवरेज का गंदा पानी रस्ते पे आता है, तुम साफ करोगे क्या? अरे मुझे दर्द हो रहा है, जितेंद्र रावल सपने में आया, चलो हॉस्पिटल जाते हैं। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर कल शेखान शिंदे और अजय मेहरा ने मुमरा का दौरा किया था, इसमें आपके करीबी से लोगों से मुलाकात हुई, क्या कहोगे? देखो, आप जब किसी गांव में आते हो तो आप खुद फोन करके बोलते हो कि मैं आपके घर पे आ रहा हूं। जिस आदमी ने इंसानियत है वो ये तो नहीं बोलेगा, बताओ। मेहमान नवाजी ये भारत का, भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम दुश्मन भी अगर मेहमान बन के आता है तो उसको खाते खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, उसमें क्या है? ये तो मुमरा है, वो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। ईद में देखा नहीं क्या आपने, क्या मेहमान नवाजी की हमने? इसलिए तो लोग आते हैं मुमरा में। जिस आदमी के ऊपर मैं बात ही नहीं करता हूँ, उसके सवाल क्यों पूछते हो? उमरा के लोगों के, आवाम के दिल में मेरे लिए जो जगह बनी है वैसी बनी है क्या? जो आदमी कभी उमरा में आते ही नहीं थे वो हमारे ये दिखने लगे ना अभी, जो चेहरे अनजान थे वो तो लोग जानने लगे ना। आपको मुमरा का दरवाजा मालूम था क्या? दरवाजा मालूम था? मुमरा के नजदीक हाजी मलंग है, वो तो शहीद करने की भाषा आप कर रहे थे। इतना ही मुमरा का आपको प्यार आया है, जब धर्मांतरण का मुद्दा निकला, अब जब मुमरा के नौजवानों को सताने की बात आई तो आप कहीं दिखे ही नहीं। 10 साल में आपको निधि नहीं मिला क्या? तो उस निधि का इस्तेमाल आपने किधर किया, बताओ जरा। बातें तो बहुत कर सकता हूं मैं, चुनाव है, चलो आके तुम मुमरा वालों को मूर्ख समझते हो, बतिया जाओ। अभी कोई बोल रहा था कि मुमरा में अब खुशी की लहर आई है, तो इतने दिन क्या मातम था क्या? मातम कहाँ है, किसके घर पे है, ये राबड़ी वालों को जाके पूछो। मुमरा में खुशी है, मुमरा को मालूम है क्या करने का है। दरे कर मैडम आएगी, सबको मिलेगी, वो ऐसे चुने गिन चुन के लोगों को नहीं मिलेगी, वो जाएगी तो वैसे पूरे सर उठा के हर रास्ते से घूमेगी, मेरे साथ घूमेगी। वो इंडिया अलायंस की उम्मीदवार है, वो उद्धव ठाकरे की उम्मीदवार है, वो ऐसे
किसी के घर में चाय, किसी के घर में बिस्किट, किसी के घर में चूड़ा, किसी के घर में नान कटाई, ये सब नहीं होगा। वो हर गली से जाएगी लोगों को मिलते हुए, लोगों को ऐसा करते करते जाएगी। हमको किसी के घर में जाके छुप छुप को उसको पटाने का नहीं है। ये पटेली जनता है हमारी, हमको पट गई है, हमारे दिल में है, उनके दिल में मैं हूं। और उनको मालूम है कि दरेकर नहीं है, ये जितेंद्र आवाड़ी है। इधर इंडिया आलंस का सबसे बोलने वाला चेहरा जो पूरे देश को मालूम है कौन है, वो जितेंद्र आवाड़ है। और मेरे ऊपर कभी शक की गुंजाइश नहीं है। मैं पिछले 25-30 सालों से इनसे लड़ते आया हूं, जान हथेली पे रख के। ये मुमरा वालों को मालूम नहीं है क्या है, मेरी कोई नई पहचान बनाने की है क्या है? हर शादी में जाने वाला, किसी की इंतकाल हुआ तो जनाजे में जाने वाला, किसी के खुशी में जाने वाला, किसी के दुख में जाने वाला, किसी के हॉस्पिटल में जाने वाला है। छोड़ो ना यार, क्या बात करने की उसके ऊपर, अपनी पहचान में क्यों बताऊं? मेरा मुमरा ही मेरी पहचान है भाई। ये भी कहा गया कि खासदार को जो है मुमरा शहर से दूर रखा गया। कौन रखेगा दूर? उसके क्या पैर पकड़ के रखे थे किसने? कौन रखा उसको? वो डोंबोरी और कल्याण हरोज जाता था। जब भी ऐसी विकास की बात आई तो कहा गया कि हम विकास कर रहे हैं, उनको दूर रखा गया। अच्छा अच्छा, तो फिर अब जो विकास करने वाले वो कैसा करने वाले हैं? अरे नहीं किया तो हिम्मत से नहीं बोलो मैं नहीं कर सका, लेकिन अब आइंदा करूंगा। ये मुझे दूर रखा गया, मुझे बाजू में रखा गया, इनको आने ही नहीं दिया। ऐसे फालतू बातें मत करो जो लोगों को समझ में ही नहीं आए। रेलवे के प्रवासी संगठन मेरे को 20 बार मिले, इन्होंने हजारों बार कोशिश की मिलने के। खासदार को खासदार मिलेगा? पूछो, जाओ संगठन से जाके पूछो रेलवे के कि तुम जितेंद्र आवाड़ को कितने बार बोले मिले, जितेंद्र आवाड़ कितने बार तुम्हारे साथ डीआरएम के ऑफिस में आया, चले जाके पूछिए। मैं अपनी बात कभी बताता नहीं हूं, पर दूसरी के ऊपर उंगली मत उठा। मैं तुम्हारे ऊपर बात भी नहीं करता हूं, मैं श्रीकांत शिंदे इस आदमी के ऊपर बात भी नहीं करता हूं। अपनी लाइन अगर लंबी हो ना तो दूसरे की छोटी लाइन देखा मत करो, अपनी लाइन और लंबी करो। क्या विकास हुआ मुमरा में वो पता चलेगा आपको? कॉलेज आने वाला है, हॉस्पिटल आने वाला, हॉस्पिटल तो आ गया, शादी खाना बन रहा है, मार्केट बनने वाला है, स्कूल बनने वाली है। सर ये भी कहा गया कि सारी चीजें जो विकास के मुद्दे हैं, इसमें स्लॉटर हाउस, हॉस्पिटल, उसके अलावा लाइब्रेरी, ऐसी कई सारी चीजें के ऊपर जो है श्री कांसल ने कहा कि आप सारा विकास हम करेंगे। हाँ सर, तोड़ो उसको, बनाओ नवीन नया। अरे उनको यही मालूम नहीं कि लाइब्रेरी बन गई है, उसका अलमारी का काम चालू है। हमारे लोग कलवा कल्याण अपना गरीब हॉस्पिटल क्या उसको, अब्दुल्ला गरीब कॉलेज, मुंबई अंजुमन का, सबकी लाइब्रेरी देख के आए कि कैसे अलमारी बननी चाहिए। खास लोग गए थे वहां पे देखने के लिए। जब मैं हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, लोग बोल रहे थे प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए। अब जब पता चला कि आपको खाली खीसे जाना है और खाली खीसे उधर से आना है, तुम लोग खुश है। और वही हॉस्पिटल के मालिक को, डॉक्टर को किसने झापड़ मारी जाके? वो बेचारा शांत गरीब क्रिश्चियन आदमी था, झापड़ खा के चुप बैठ गया। दो झापड़ उसके कान के नीचे बचाई। अरे तेरी औकात क्या है झापड़ बजाने वाले की? वो कितना पढ़ा लिखा आदमी है, दुनिया में जाना माना आदमी हो डॉक्टर पॉल। ये मुमरा की संस्कृति है क्या? किसी हॉस्पिटल चलाने वाले को सिर्फ मेरी सुनो और फाट कर से मार देना, ये कोई संस्कृति है क्या? यही करेगी क्या श्रीकांत शिंदे की शिवसेना मुमरा में आके? डॉक्टर को मारना, इसको मारना, उसको मारना, उसको धमकाना, उसको बोलना ईडी आएगी, उसको बोलना सीबीआई आएगी। अब ईडी और सीबीआई भी यही लाएंगे क्या? या ऐसी चीजों से कोई डरता बिरता नहीं है? हंसी मजाक करते तुम्हारी। जनता से क्या अपील रहेगी? देखो जनता ज्ञानी है,
जनता पूरा देश का माहौल देख रही है, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे जातीयवाद बढ़ रहा है, कैसे विद्वेष की राजनीति हो रही है। और मुंब्रा एक ऐसा शहर है पूरे भारत में कि मुंब्रा में एक ऐसे पिन भी गिरी तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में तीसरे मिनट में मालूम होता है। केरला के थिरुवनंतपुरम में 3 मिनट में मालूम हो जाता है, आसाम में मालूम होता है। सभी राज्यों के लोग मुंब्रा में रहते हैं। तो इसलिए मैं बहुत खुश होता हूं क्योंकि ये सब लोग अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, अरे क्या मुंब्रा बन गया यार, अरे क्या मुंब्रा बन गया यार। तो मेरे को जहीं भी जाऊं, मैं अगर आसाम में भी जाऊं तो मुझे एयरपोर्ट पे ही लोग पहचान लेते हैं, अरे साहब आपकी बहुत तारीफ करते हैं हमारे रिश्तेदार। और क्या चाहिए अपने को यार, यही अपनी धन दौलत है, पैसा तो सभी कमा लेते हैं, उसमें क्या है, जितना तकदीर में उतना आने वाला है। पर लोगों ने ये अपनी पहचान करके देने की, ये आदमी हमारा विकास करके जाए, इससे बड़ी पहचान कोई हो ही नहीं सकती। मैं आपको मिलेगी, किसी के घर पे नहीं जाएगी, जाएगी 2-3 लोगों के घर पे जाएगी, 2-3 लोगों को लेके घूमेगी। जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, एनसीपी के अध्यक्ष है, वहां यूबीटी शिवसेना के जो लोग है, सैयद अली भाई साहब है, फिर हमारे कुछ जमात इस्लामी उलमा, इनको जाके मिलेगी। हम ये शोबाजी नहीं करेंगे, हम चुपचाप जाएंगे मिलेंगे, लेकिन हम जब उसको लेके घूमेंगे तो जरूर शोबाजी करेंगे, क्योंकि आवाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए आवाम सब कुछ है, आवाम। और मुंब्रा के आवाम ही मुंब्रा का भविष्य तय करेंगे। अरे बंद कमरे में सबसे ज्यादा मीटिंग करो, कोई तुम्हारे साथ नहीं आने वाला है, तुम जबरदस्ती होटल में जाओ, वो होटल का मालिक भी तुम्हारे साथ नहीं आने वाला है। रात को ही सबने फोन कर दिया कि साहब अभी क्या करें, जबरदस्ती घुसी रहे तो क्या करें हम लोग। तुम किसी को कॉफी शॉप में मिलो, किसी को होटल में मिलो, किसी के घर पे जाओ, होटल में भी बंद कमरे में मीटिंग हुई, मालूम है तुमको? किसी को लगता है मुन्ना साहिल मेरे को छोड़ के जाएगा, लगता है किसी को? अरे तुम दबाव की राजनीति बनाए रखो, क्योंकि तुम बात कर रहे हो इलीगल कंस्ट्रक्शन बना के नहीं दूंगा, सबको लालच है इलीगल मिलेगा, इलीगल मिलेगा, इलीगल मिलेगा, मैं खाऊंगा, तू खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, सब खुश है। लेकिन मुंब्रा के क्या 12 बजने वाले, उसकी बात करो इलीगल से, तो मुंब्रा में आम इंसान है ही नहीं क्या? सीवरेज का गंदा पानी रस्ते पे आता है, तुम साफ करोगे क्या? तुम साफ करोगे? पानी कम होते जाता है तो तुम पानी लाके दोगे क्या? हमने अभी लाइट के पूरा जो धूप छांव होते थे उससे बाहर निकाला है, फिर से शुरू हो गया, तो तुम साफ करो आके ये करोगे क्या? तुम लीडर मुंब्रा का बनना चाहते हो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों का लीडर बनना चाहते हो? किसका लीडर बनना चाहते हो? अरे आम लोगों के सपने में आना चाहिए। अरे मुझे दर्द हो रहा है, जितेंद्र आवार सपने में आए, चलो हॉस्पिटल जाते हैं, ये जितेंद्र आवार है, जो और कुछ नहीं चाहिए, जो प्यार मुझे मुंब्रा से मिला है और मिलता रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी कुछ आज हूँ देश भर में, वो सिर्फ मुंब्रा की देन है। मुंब्रा और कलवा के लोगों ने जो जिस तरीके से मुझे उछाला है, उसी के लिए आज मैं पूरे भारत में जाना जाता हूँ। और भारत में मैं किसी गुंडागर्दी के लिए, किसी को गले पे रिवॉल्वर रख दिया, इसी के लिए नहीं जाना जाता हूँ। मेरे विचारों के लिए जाना जाता हूँ, मेरे कामों के लिए जाना जाता हूँ, चाहे वो कलवा हो या मुंब्रा हो। मैंने कभी 19-20 नहीं किया, मैं धर्म और जात की राजनीति नहीं करता हूँ, जो बोलता हूँ डंडे के चोट पे बोलता हूँ। जब मुख्यमंत्री ने बोला कि मैं हाजी मलंग दरगाह साफ कर दूंगा, तो पहला बोलने वाला जितेंद्र आवार था कि ये मुख्यमंत्री होके ये बोलना तुमको शोभा नहीं देता है। तो मुझे
और बातें करने मत लगाओ। चुनाव है, अपनी तरीके से तुम चलो, मेरे तरीके से मैं चलूंगा, लेकिन मेरे बारे में बात करोगे तो फिर ये जितेंद्र आवार किसी की बात की नहीं सुनता है, ये भूलने मत लगाओ।